जी मैं सोच नहीं। अच्छा, ये कलेक्टर परिसर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या क्या पूरा मामला है? ये मामला ये है कि हम लोगों का कल पेपर था और वो किसी कारणवश आउट हो गया, तो उसकी वजह से हमारी परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है और आने वाले आगे समय में जो है 4 तारीख को हमारी टेट की परीक्षा लगी हुई है, 4 तारीख को हमारी टेट की परीक्षा लगी हुई है। अगर ये पेपर निरस्त हुए तो हमें उसमें बैठने का मौका नहीं मिलेगा, और उसमें बैठने का मौका ना मिलने का मतलब है हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, फिर हमें कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा, अगली वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके हमें जो है जॉब मिलेगी। तो हम सरकार से ये चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे नाम को जो है 1 हफ्ते में या 10 दिन के अंदर हमारी परीक्षा दोबारा से कराई जाए, और ये जो परीक्षा है उसको 1 महीने आगे बढ़ाया जाए। मामला ये सब बड़ी मुश्किल के बाद हम लोगों ने एग्जाम स्टार्ट करवाए हैं, उसमें जब एग्जाम स्टार्ट हो भी गए तो भी कैसे भी करके लीक हो गया पेपर, हमें उन सबसे कोई मतलब नहीं। हम लोग का एम ये है 15-16-17 तक हम लोग के एग्जाम हो दोबारा, और एक किस चीज के एग्जाम? पीटीटी की, उसके बाद टेट की 1 महीने डेट हो जाए, और हमें कुछ नहीं मतलब, बस 15-16-17 चतुर्थ सेम के एग्जाम हो और टेट की डेट 1 महीने। क्या पूरा मामला है? इनको बच्चों का जो मांग है UPTET परीक्षा को 1 माह के लिए बढ़ाया जाए, और दूसरी बात है कि इनका BTC 2015 की परीक्षा जो है 15 और 17 अक्टूबर तक जो है संपन्न कराए, मांगे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, मैं इनकी मांग को जो माननीय मुख्यमंत्री भेजाऊंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी मांग पहुँचा दिया जाए।